हर हर महादेव फ्रेंड्स, जय श्री राधे। फ्रेंड्स, आज अजय एकादशी है और आपने अजय एकादशी का महात्म्य कथा श्रवण किया होगा, जिसमें कथा आती है राजा हरिश्चंद्र की। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ डिटेल में राजा हरिश्चंद्र की जो स्टोरी है वो शेयर करूं। जी हाँ, बहुत अच्छी कथा है, आप सुनिए। और ये सुनने से क्या होगा, आपको ना जीवन कैसे जीना चाहिए इसका ज्ञान मिलेगा। अब बताती हूँ मैं आपको ये राजा हरिश्चंद्र कौन है। उसके पहले हम सभी प्रभु श्री राम के श्री चरणों में प्रणाम कर लें। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम बरानने। सभी प्रेम से बोलेंगे राजा रामचंद्र भगवान की जय, माता जनक लली की जय। फ्रेंड्स, राजा हरिश्चंद्र जो है ना, वो हमारे प्रभु श्री राम के पूर्वज हैं। जी हाँ, ये सभी सूर्यवंशी राजा हैं और ये सब के सब इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे। तो जो राजा हरिश्चंद्र हैं, ये सत्यव्रत के पुत्र हैं। इनके पिता नाम सत्यव्रत था और राजा हरिश्चंद्र हमेशा सत्य बोलते थे, वो झूठ नहीं बोलते थे कभी भी। एक दिन क्या हुआ ना, वो सो रहे थे और रात में सपने में उनको उनके सपने में विश्वामित्र आए। आप सबको पता है ऋषि विश्वामित्र की कथा भी, नहीं पता तो मैं एक दिन वो आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत अच्छी कथा है वो भी, कैसे वो क्षत्रिय राजा थे और फिर कैसे वो ऋषि बन गए, उसकी पूरी कथा बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आप सबके एक दिन जरूर शेयर करूंगी। हाँ, तो राजा हरिश्चंद्र के सपने में विश्वामित्र जी आए और उन्होंने ना क्या बोला विश्वामित्र जी से, सपने में ही ड्रीम में सोते हुए, कि आपका मुझे आप राजपाट दान कर दो, आप बहुत दानी हो। तो राजा हरिश्चंद्र ने सपने में बोल दिया, हाँ मैं आपको अपना राजपाट आपको देता हूँ। और फिर विश्वामित्र जी ने कहा कि मुझे 5,000 सोने के सिक्के भी चाहिए, गोल्ड कॉइन्स चाहिए, 5,000। अब राजा हरिश्चंद्र ने वो भी हाँ कर दिया। रात बीत गई, सुबह राजा हरिश्चंद्र की नींद खुली। नींद खुली तो उनके राज्यसभा में जाके उन्होंने अपने राज्यसभा में बैठे, तब तक विश्वामित्र मुनि वहां आए। आकर के उन्होंने बोला, कल रात में आपने सपने में मुझे अपना राज्य दान दे दिया था। तो राजा हरिश्चंद्र वो सच बोलते थे, उन्होंने बोला हाँ मैंने सपने में आपको दान दिया था, तो मैं आपको सच में भी दान देता हूँ। उन्होंने अपना राजपाट सब दान दे दिया। देखिए, ये होती है सत्यनिष्ठा। इसको बोलते हैं कि जब हम कर्मनिष्ठ होते हैं, जब हम जो बोलते हैं ना वही हम करते हैं, जब ऐसा करते ना तो सच में आपके साथ प्रभु की कृपा जरूर होती है। अब क्या हुआ, उन्होंने अपना दान सब कर दिया राज्य। फिर विश्वामित्र जी बोले, 5,000 क्वाइन, गोल्ड क्वाइन जो आपने मुझे बोले थे वो भी आपको देना है। तो राजा हरिश्चंद्र ने बोला, ठीक है मैं अभी आपको दे देता हूँ। तो विश्वामित्र जी बोले कि महाराज, आपने जो मुझे 5,000 क्वाइन बोले थे ना, वो अपने राज्य से नहीं देने हैं आपको। अब तो राजपाट सब मेरा हो गया, आपने सब मुझे दान दे दिया है, अब आपको देना तो आप मुझे कहीं और से ला के दीजिए। अब राजा हरिश्चंद्र बोले, मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊँ। तो उन्होंने राजपाट दिया, बोला ठीक मैं आपको देता हूँ। अपनी पत्नी और उनके एक बेटे थे, अपने पुत्र के साथ में वो राज से बाहर निकले और निकले तो सोचने लगे क्या करें। तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि आप मुझे बेच दीजिए, और उनके फिर पुत्र ने भी कहा आप मुझे बेच दीजिए पिताजी, जो पैसे मिलेंगे आप दे देना, क्योंकि ये धर्म होता है ना, हम अपने परिवार के साथ हमेशा खड़े होते हैं। तो राजा हरिश्चंद्र ने भी उनकी बात मानी और अपने पत्नी और बच्चे को बेच दिया। पर उनको इतने पैसे नहीं मिले कि 5,000 सोने के सिक्के हो जाए, तो उन्होंने खुद को नीलाम कर दिया, खुद को बेच दिया बाजार में। बेच करके फिर उनके पास 5,000 कॉइन्स जमा हुए, वो ले जा करके उन्होंने दे दिया विश्वामित्र जी को। अब जिसने ना राजा हरिश्चंद्र को खरीदा था, उसका शमशान घाट था और उसको हम लोग चांडाल बोलते हैं, ऐसा पहले जमाने में। तो जो हरिश्चंद्र जी थे, जाकर उसके यहाँ काम करने लगे। क्या काम करते, उसके सारे काम तो करते, प्लस जो शमशान घाट में जो लोग भी आते ना, वो उनसे कर वसूलते थे, कर लेकर के, टैक्स लेकर के, फिर चिता को जलाने देते थे, किसी की चिता वहां जलती थी, उनका ये काम था। ऐसे टाइम निकले जा रहा था, निकल उनको बहुत अफसोस होता था ये काम करते हुए करते हुए। तो एक दिन ना वो बहुत ही बहुत ज्यादा दुखी थे, दुखी मन से घूम रहे थे, तब तक उनकी भेंट हुई गौतम ऋषि से। गौतम ऋषि जी से उन्होंने अपने सारा मन का हाल बताया। गौतम ऋषि ने उन्हें बोला कि आप एक काम करिए, अजा एकादशी का व्रत करिए, और उसके व्रत के प्रभाव से ना आपके जो इतने भी प्रॉब्लम्स है, संकट है, सब दूर हो जाएंगे प्रभु की कृपा से। अब राजा हरिश्चंद्र ने अजा एकादशी का व्रत किया। व्रत कर रहे थे तब तक रात हो गई, व्रत करते हुए, और तब तक
एक स्त्री वहां पे आई जो अपने मृतक बालक को, अपने मरे हुए बच्चों को गोद में लेकर के आई थी शमशान घाट पे उसका दाह संस्कार करने के लिए। अब अंधेरा था, रात्रि का समय था और बरसात भी बहुत थी। राजा हरिश्चंद को तब तक अच्छा दिखाई नहीं दिया कौन स्त्री। उन्होंने बोला, देखिए मैं कर लेकर के ही यहाँ पर हम किसी को चिता जला सकते हैं। तब तक बिजली कड़की तो उन्होंने देखा, बिजली लाइटनिंग की वजह से थोड़ा उजाला हुआ तो उन्होंने देखा तो मेरी पत्नी है और जो मृतक बच्चा है वो तो मेरा बेटा है। उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने पूछा कैसे हो गया तो उनकी पत्नी ने बताया कि सांप ने काट लिया जिसकी वजह से हमारे बालक की मृत्यु हो गई है। पर राजा हरिश्चंद ने बोला, अब इसको अगर हमें जलाना भी है तो सबसे पहले मैं यहाँ काम करता हूँ, ये मेरी ड्यूटी है, मैं सबसे कर लेता हूँ, टैक्स लेता हूँ, तो तुमको भी टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स देने के बाद ही हम इस बच्चे की चिता को जला सकते हैं। तो अब जो थी उनकी वाइफ, उन्होंने बोला मेरे पास टैक्स देने के लिए पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दूँ। तो एक काम करिए, उन्होंने अपनी साड़ी फाड़ी और साड़ी फाड़ के अपने बच्चे के ऊपर, आधी साड़ी फाड़ करके अपने बच्चे के ऊपर ओढ़ा दिया और बोला कि ये कफन है, आप अब इनको जला दीजिए। पर राजा हरिश्चंद बोले, नहीं मैं बिना टैक्स लिए नहीं कर सकता ये। तब तक आकाशवाणी हुई कि राजा हरिश्चंद, हम आपकी सत्य निष्ठा से बहुत खुश हैं, सिर्फ आपकी हम परीक्षा ले रहे थे, आपके साथ सत्यनिष्ठ कोई नहीं होगा जो अपने संतान की चिता जलाने से पहले भी अपने धर्म को नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि आप इस समय एक चांडाल का काम कर रहे हैं, आप सबसे टैक्स लेते हैं, आपने अपनी फैमिली से भी वही ट्रीटमेंट किया। मैं थोड़ा लोकल लैंग्वेज आप लोग के साथ यूज कर रही हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपको स्टोरी समझ में आ जाए। ऐसा हुआ, उस दिन एकादशी थी, अजय एकादशी। सुबह होते होते, तब तक सुबह हो गई, वहाँ पे विश्वामित्र आए मुनि और उनने कहा, राजा हरिश्चंद मैं आपकी सत्य निष्ठा से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं सिर्फ आपका एग्जाम ले रहा था, मैंने सुना था आप बहुत सत्यवादी राजा हैं, आप सब हमेशा सत्य के मार्ग पे चलते हैं, तो आपके एग्जाम ले रहा था और आपने इस एग्जाम को क्लियर कर लिया, आपका राजपाट आपको रिटर्न दे रहा हूँ मैं, और उनका जो मृतक पुत्र था ना वो भी जीवित हो गया। इस प्रकार से राजा हरिश्चंद को उनका राजपाट सब मिल गया। फ्रेंड्स कितनी अच्छी कथा है ना। देखिए हम छोटी छोटी बात पे ना झूठ बोलते हैं, हर छोटी बात पे झूठ बोल देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है ना, जो हमारा विल पावर होता है वो वीक होता है, ठीक है, और प्रभु की कृपा भी हम पे थोड़ी कम होती है। देखिए मैं ये नहीं बोलती कि झूठ नहीं, हम हर समय सच ही बोलेंगे, पॉसिबल नहीं है, मैं खुद ट्राई करती हूँ, मुझसे नहीं हो पाता है, कभी कभी झूठ निकल ही जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, एटलीस्ट प्रैक्टिस तो करिए सच बोलने की। जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो धीरे धीरे वो आदत बन जाएगी, और आदत बनने के बाद में अब फिर आप देखना आपके अंदर कितने सारे चेंजेस आते हैं, आपका आत्मविश्वास जो होगा ना इतना मजबूत होगा कि आपके सामने कोई टिक नहीं सकता। और क्या होता है ना, जब आप सच बोलते हैं ना तो आपसे प्रभु की भी खुश होते हैं, आपके प्रभु कृपा भी होती है, क्योंकि जब हम भगवान के सामने कब जा सकते हैं, भगवान की आंखों में आंखें मिला के कब देख सकते हैं, तभी ना जब हम सच बोलेंगे, हम बोलेंगे प्रभु देखिए मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूँ, कोई पाप नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी संतान हूँ, जैसे आपने मुझे बताया मैं वैसे जीवन जी रहा हूँ या जी रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं, तो सच बोलने का ट्राई करिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, अच्छी लगी होगी, इतनी अच्छी कथा है, और आप सबसे रिक्वेस्ट है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, आपके बच्चों को भी ये कथा सुनाएं, ताकि उनके अंदर भी अभी से सच बोलने की आदत डेवलप हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।